हाय, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। खास करके आपके लिए ढेर सारे मैसेजिंग भी आ रहे हैं, लेटर्स भी आना शुरू हो जाएंगे और इस मैटर पे आपको काम करना स्टार्ट करना होगा। जितने भी पंचायत सहायक 58,189 ग्राम पंचायत है, सबको आज नहीं तो कल आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो मैं खासकर बात कर रहा हूँ, परिसंपत्ति रजिस्टर की बात कर रहा हूँ। परिसंपत्ति का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से हम किस फॉर्मेट में बनाएं, ढेर सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे और कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं होगा। तो एक्चुअली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप बात को समझेंगे तो प्रॉपर आप हमेशा के लिए इस डिपार्टमेंट को, इस विभाग में अच्छे से काम भी कर पाएंगे। इसमें कई चीज़ हम क्लियर करने वाले हैं जिससे आपको पूरा पूरा ये विज़न कंफर्म हो जाएगा कि क्यों बनाना है, कहाँ जाएगा, कौन लेगा, क्या इसका यूज़ है, क्या चीज़ें हैं, तो समझ ले। तो हम परिसंपत्ति की बात तो करते हैं, लेकिन परिसंपत्ति क्या है इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है, अपने छोटे छोटे वीडियो में डाल दिया हुआ है, लेकिन हमारा दिमाग तब जाता है जब हमारे ऊपर वो काम पड़ता है तो हमारा फोकस उस पर जाता है। तो आज हमारा फोकस है इस पे, मेन फोकस जो है वो हमारा है परिसंपत्ति। तो बात करें पहले गांव की परिसंपत्ति, तो आप सब में से सब लोग जानते होंगे गांव में जो भी परिसंपत्तियां हैं वो हमारे जो भी, चाहे खड़ंजे बने हो, सीसी रोड बने हो, उसके साथ साथ पुलिया बनी हो या फिर A&M सेंटर बने हो, गांव के विद्यालय बने हो, खड़ंजे बने हो, नाली बनी हो या फिर आपका पंचायत भवन बना हो। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे दो तरह की है, यहाँ पे दो तरह के परिसंपत्ति हैं, एक चल और एक अचल, मतलब एक फिक्स एसेट और एक मूवेबल एसेट जो कि मूव कर सकता है। जैसे फिक्स एसेट में तो मैंने आपको बता दिया, सड़क हो गई, जो भी सरकारी नल हो गए, पानी की टंकी हो गई, उसके साथ साथ जो भी आपके स्कूल हैं, रोड हैं, वो सब तो मूव तो करेंगे नहीं, तो ये सब हमारे फिक्स एसेट हो गए। इसके अलावा हमारे कौन कौन से ऐसे एसेट हैं जो कि मोबाइल, जैसे कि कोई फर्नीचर वगैरह ऑफिस लिए हमने खरीद लिया, इस टाइप की जो चीज़ें ले लिया, वो क्या होंगे, वो हमारे जो है मूवेबल है, मतलब उसको कहीं यहाँ वहाँ विस्थापित किया जा सकता है। तो इस दो तरह के परिसंपत्तियों की डिटेल्स हमको फीड करनी होगी, हमको बनाना होगा एक रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड जाएगा हमारे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे फीडिंग के लिए। तो बेसिकली मैं आशा करता हूँ कि आप अपर संपत्ति के बारे में समझ चुके होंगे, लेकिन अब इसको कैटेगराइज कैसे करना है, भरना कैसे है, बनाना कैसे है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल के लिए हम आपको ले चलेंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे, क्योंकि जो आप रजिस्टर बनाएंगे, जो आप फॉर्मेट बनाएंगे, ये फॉर्मेट कहाँ जाएगा, ये फॉर्मेट जाएगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे फीडिंग के लिए। तो वहाँ से हम एक दो लाइन में देख लेंगे तो प्रॉपर समझ जाएंगे कि किस तरह से किस फॉर्मेट पे हमको बनाना है। दोस्तों इसका यूज़ क्या होगा वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि यूज़ क्या होगा, जैसे मान लो गाँव के बाहर से कोई अधिकारी आपके गाँव में आता है और वो गाँव के बारे में जानना चाहता है, तो ये रिपोर्ट उसके लिए प्रॉपर होगी कि पहले की क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी परिसंपत्ति है, क्योंकि गाँव में जो राज्य वित्त आयोग का पैसे आते हैं वो परिसंपत्तियों के रखाव के लिए भी पैसे आते हैं, तो उनका भी एक यहां पे कोलैबोरेशन होता है कि किस तरह से गांव में किन परिसंपत्तियों पे कितना काम किया जाना है, उसका भी एक रिकॉर्ड बनता है कि परिसंपत्तियों पे वो पैसे आधे रखरखाव में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि नए काम खाली कराए जा रहे हैं, उसका भी एक रिकॉर्ड यहां से बनेगा। इसका मतलब कि ये जो परिसंपत्ति का रजिस्टर मेंटेन करना है और रिकॉर्ड मेंटेन करना है ई ग्राम स्वराज की विलेज जनमनाड़ी पे, ये एक बहुत ही मजबूत काम है। दोस्तों हालांकि आप अभी फीड करेंगे या नहीं करेंगे ये क्वेश्चन है, लेकिन जैसे आप इस रिकॉर्ड को बना के देंगे तो जो भी ब्लॉक का ऑपरेटर है, जो भी आपके ग्राम प्रवाद पोर्टल पे काम करता होगा, वह पर्सन इसको फीड जरूर करेगा। तो इस विषय पे फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कैसे इसे कैटेगराइज करा होता है। तो बेसिकली एसेट, एसेट का मतलब होती है संपत्ति, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एसेट वाली कैटेगरी में क्लिक कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे फोकस एरिया लिख के आती है, फोकस एरिया में हम जैसे जाते हैं तो हमारे पास वही सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे गांव में डिपेंड करता है विकास कार्य को लेकर के। तो यहाँ पे सब सब आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आपने देख लिया एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल सपोर्ट, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर संबंधित कोई कार्य गाँव में हुआ है, कोई सरकारी काम हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर जैसे सरकारी नल वगैरह, एजुकेशन में जिसमें स्कूल आपके आएंगे, हेल्थ जिसमें आपकी जो भी आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह आ सकते हैं, GP ऑफिस इंस्टीट्यूट में आपका पंचायत भवन आएगा, लैंड इंप्रूवमेंट में आपके जो भी ज़मीनें हैं वो आएंगी, रूरल हाउसिंग एक्टिविटीज वगैरह, स्ट्रीट लाइट जो आपका देख रहे हैं वो आएगी। तो इस तरह से ढेर सारी चीज़ें हैं, वाटर कन्वर्जेशन है, तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि कौन से हमारा जो परिसंपत्ति है वो किस चीज़ में आया हुआ है, तो उसको समझना पड़ेगा। समझने के बाद ही आप उस रजिस्टर को प्रॉपर बना पाएंगे। तो एक कॉलम आपका रहेगा फोकस एरिया। तो जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए फोकस एरिया में ले लेते हैं रोड्स को,
तो रूट, क्योंकि रूट्स आपका एक ऐसा मैटर है कि रूट्स आपके ढेर सारे होंगे, रूट्स आपको कॉमन यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर एसेट टाइप में हम ले लेंगे रूट। तो मूवेबल, जैसे कि मैंने बताया कि मूव होता है और रिमूव, तो ये रूट तो आपका फिक्स रहेगा, तो आप यहाँ पे इसको इमूवेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर एसेट कैटेगरी होगी करना है। यहाँ पे देखिए एसेट कैटेगरी आ गई है। तो यहाँ पे एसेट कैटेगरी क्या है, रोड है, जैसे वो बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग बनी है, या इरिगेशन सोर्स है, कोई नाली वगैरह बनी है, या फिर सैनिटेशन सेवरेज फैसिलिटी कोई बनी हुई है, स्वच्छता संबंधित कोई चीज़ है, या फिर रोड है। तो यहाँ पे रोड है तो हम रोड वाले कॉलम को ले लेंगे। इसके बाद एसेट सब कैटेगरीज है। उसके बाद एसेट क्रिएशन मोड है। तो सब कैटेगरी में हम क्या लेंगे, ब्रिज है, कल्चर ब्रिज है, फुट ब्रिज है, या फिर अप्रोच, कोई रोड जोड़ने वाली रोड है तो इसको हम अप्रोच रोड, या फिर रोड सीसी रोड है, जो भी है तो वहां पे हम ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अप्रोच रोड सेट कर रहा हूँ। तो जैसे आपने एसेट ले लिया, तो एसेट की फोकस एरिया क्या होगी, तो फोकस एरिया, उसके बाद एसेट का टाइप क्या होगा, एसेट की कैटेगरी क्या होगा, एसेट की सब कैटेगरी क्या होंगी, उसके बाद एसेट का क्रिएशन मोड क्या होगा। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप एक अच्छे से संपत्ति रजिस्टर बनवा सकते हैं, जिसको परिसंपत्ति रजिस्टर बोलते हैं, वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये परचेज किया गया है, कंस्ट्रक्शन का है, मतलब खरीद के लाया गया है या बनवाया गया है, कि तो कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो हम यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्शन में कर देंगे। ओनरशिप कौन है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे। एसेट एज, अगर आपको पता है, आप जानते हैं कितनी उम्र है, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम होते हैं, हर काम की एक उम्र होती है, कि 30 साल, 15 साल, जो भी है। तो अगर आपको लगता है यहाँ पे तो लग सकते हैं, नहीं तो ईयर नॉट नोन, हम नहीं जान करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं कब का बना है, वो चीज आप डाल देंगे। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे, मान लो ये बना है 1990 का। टोटल नंबर ऑफ एसेट, उसमें कितनी सड़कें हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सड़क ले तो रोड तो एक ही होगी। मान लीजिए हमने वहां पे हैंडपंप ले लिया, तो हैंडपंप तो कई होंगी, तो वहां पे संख्या हमको यहाँ पे ज्यादा डालनी पड़ेगी, टोटल नंबर ऑफ एसेट एरिया में। उसके बाद ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे राजस्व गांव है, कि मेन गांव है जो ग्राम पंचायत उसमें है, तो वहां पे उसको चीज को भी कोड करके यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। हालांकि ये चीज जब आप ऑफलाइन बनाएंगे तो फिर वो जाएगा ब्लॉक लेवल पे, वहां से ऑपरेटर बैठ के इसको फीड करेगा। तो हो सकता है इसमें से एक दो कॉलम आप ना भी फीड करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन थिंग रहे कि इस चीज को अगर प्रॉपर वेरीफाई करते हैं तो आपका अच्छा रजिस्टर माना जाएगा, और देखने वाला भी बोलेगा भाई कि आपने सही बनाया है। उसके बाद एसेट नेम बना देना है आपको, इसमें रूट का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है मेन सड़क से स्कूल तक रोड, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कितना मीटर है, 100 मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज है या रिपेयरेबल है, क्या चीज है। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे आपने बता दिया कि ये भाई 1990 बनी है और इसको रिपेयर करना है, तो यहाँ पे रिपेयरेबल डाल के यहाँ पे आपने फिर लॉगी लॉटिट्यूड है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको यहाँ से ऐसे सेव कर सकते हैं। हालांकि ये ऑपरेटर का काम है, लेकिन आप समझ लें, हो सकता है कभी फीडिंग करनी हो तो इस चीज को आप जान ले, ऐसे आप इसको सेव कर देंगे, या फिर जो भी होगा इसको ऑपरेटर आपका सेव कर देगा। लेकिन ये सारे डेटा इस तरह से आपको लेने हैं, रोड है तो इमोबल है, उसके बाद वो ब्रिज एंड कल्चर में आए, रोड एंड ब्रिज में आएगा, उसकी एसेट कैटेगरी। तो ये इतने सारे कॉलम्स आपके हैं, ये रजिस्टर में आप कॉलम बना करके उसको आराम से बना सकते हैं।